नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मेन बाज़ार पहाड़गंज में आया हूँ दिल्ली के। ये बहुत ही एक कमर्शियल एरिया है सारा और काफ़ी क्राउडेड रहता है। देखिए यहाँ पे 1000 रुपये से फोटो शुरू हो जाते हैं और अपने हॉस्टल वगैरह लेने हैं तो 400 से 500 में मिल जाते हैं। पूरा कमर्शियल एरिया है यहाँ पे, आपको ये फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे होटल्स वगैरह ही आपको मिलेंगे और रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, बार वगैरह भी हैं, पूरा है यहाँ पे इसी तरह का है। इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो होलसेल प्राइस पे अगर आप एक इकट्ठा सामान लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई रिटेलर हैं या शॉपकीपर हैं तो बल्क में यहाँ से सस्ते रेट में लेके आप सेल कर सकते हैं। और स्ट्रीट फूड आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़गंज का स्ट्रीट फूड भी आपको मिल जाता है। ये बिरयानी की दुकान आ गई, वेज नॉन वेज दोनों तरफ से, जूसेस हैं, जूसेस भी मिल जाते हैं। ये देखिए जैसे मैं बात कर रहा था, ये पब एंड लाउंज, ये बाहर ही आपको चलते हुए फैमिली रेस्टोरेंट बार एंड लाउंज, बहुत ही क्राउडेड एरिया है। आप देख सकते हैं क्राउड यहाँ पे इतनी है और ये छोटी सी रोड है, क्राउड इतनी है। अभी थोड़ा सुबह का टाइम है, शाम के टाइम तो कई बार इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाती है, यहाँ से चलना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि गाड़ियों का निकलना तो अभी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं निकल पा रही। सलून और भी मैं आपको बताऊँ, बहुत ही यहाँ पे रौनक रहती है। यहाँ पे तो अगर आप मिडनाइट पे भी आएंगे, यानी कि रात को 12 बजे भी, फिर भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती है। मतलब ये हाँ थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा रहता है और लोग घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी सस्ते दामों पे कपड़े मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे रोड क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता, सब्बे भी है, मैकडे भी था यहाँ पे, मैंने देखा तो वो दूसरी साइड है, दूसरी लेन में आता है। मनी चेंज यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज भी हैं, मनी चेंजर वगैरह, क्योंकि ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसको एकदम पास पड़ता है और दूसरी साइड इसके दिल्ली की बहुत ही हैपनिंग प्लेस जो है कनॉट प्लेस वो है, वो भी यहाँ पे ऐसे 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही होती है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देखिए इंटरनेशनल क्लास इंटरनेशनल यहाँ पे हर सामान आपको थोड़ा सस्ते में ही मिल जाता है। हालांकि इस ब्लॉग में मैं आपको कोई होलसेल वाले आइटम्स कवर नहीं कर रहा, बस लेकिन सिर्फ मार्केट दिखा रहा हूँ। ये बैग्स हैं, यहाँ पे गोडाउन भी हैं फ्रेंड्स, अगर आप कोई पर्टिकुलर आइटम लेना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी और गूगल पर भी, आपको उनके एड्रेसेस अवेलेबल होंगे बल्क में। और कई लोगों ने ये भी कवर किया होता है कि कितने प्राइस में आपको अगर कौन सी चीज़ मिल जाती है। ये देखिए पूरी मार्केट है, यहाँ पर आपको थोड़े वूलन क्लॉथ्स, लेडीज़ गारमेंट्स थे सारे। ये कोई एंटीक सामान की दुकान है यहाँ पे, स्मोकर्स के लिए लग से, जैसे आपके पहाड़ों में देखने को मिलते हैं ये कुछ हैंडमेड्स भी होती हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं
हैंडमेड और जो हैंडक्राफ्टेड होती है पेंटिंग वो आपको ज़रा कॉस्टली पड़ती है, और जो मशीन से होती है वो थोड़ा रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है, लोग लेते भी हैं जिनको पसंद है हैंडमेड आर्ट, बहुत सारे लोग लेते भी हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत बैग्स हैं, और यहाँ पर भी बैग्स हैं और लॉक्स हैं, मिल जाएंगे आपको। मनी एक्सचेंजर एक और आ गया है, खासकर जो बैकपैकर टूरिस्ट होते हैं वो इस पहाड़गंज एरिया में ज़्यादा रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आपको अगर एक बेड लेना है तो 400 या 500 रुपए में ही आ जाता है, वो सिंगल बेड डॉर्मेट्री वाला लेना हो, और होटल भी लेना हो तो 1000 रुपए में, उससे सस्ते भी होंगे लेकिन उनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही लो होती है। 1000 रुपए में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी ऐसा कि काम चल जाएगा। हालांकि अगर आप सिटी साइड लेते हैं तो वहाँ पे थोड़े हाई प्राइस रहते हैं, मिनिमम अराउंड 2500 से 2500 से तो वहाँ पे स्टार्ट ही होते हैं। और कनॉट प्लेस में आपको डॉर्मेट्रीज वगैरह नहीं होती, 8 बजे ही मिल जाती है। देखिए ये यहाँ पर आपको ये पूरी बैग्स की दुकान है, अगर जिसने लेनी है देखिए। डेकोरेशन की आइटम्स है पूरी, घर के लिए आपको हर सामान अवेलेबल है, कोई भी सामान लेना आपने। कुमार दुपट्टा हाउस, ये भी ऐसे ही दुपट्टा की शॉप है कोई। देखिए एक बहुत ही अच्छी बाइक निकली है यहाँ से, आई थिंक इंटरसेप्टर है। बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है, कहीं कहीं कोई भी निकल आ जाता है, यहाँ पे एक तरह का एडवेंचर है यहाँ पे चलना। आप देखिए इतनी बड़ी एक सिंगल कार को टर्न करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिलती, और शोर इतना है। कार भी टर्न नहीं हो रही है, तो पूरी स्पेस चाहिए निकलने के लिए, बहुत ही आराम से निकलेगी, पूरी लदी हुई है। सोल जेम्स, अगर आप जेम्स के शौकीन हैं वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। जोटिक कैफे रेस्टोरेंट, क्रॉस करने के लिए भी यहाँ पे देखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे एक अच्छे काफ़ी सेटअप के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चलना ही काफ़ी मुश्किल है। टैटूज के शौकीन हैं, टैटूज भी है यहाँ पे, क्रॉस मार्केट हो रहा भी है। तरह तरह के टैटूज की शॉप है यहाँ पे, मेहंदी वगैरह भी, शायद ये टैटूज के ही हैं, टैटू हाँ टैटू का ही होगा मुझे। ये भी पूरी बैग की शॉप है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स ये मैं थोड़ा मेट्रो के ऊपर से कवर कर रहा हूँ, ये भी पहाड़गंज का ही एरिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक ही रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।